शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पूनम का चांद भी फीका है मेरी पूर्णिमा के सामने। आप? ये शरारत नीलू की है। उसने हम सबको कसम दी थी कि सुहागरात से पहले तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि किसके अंधेरे में तुम रोशनी बनकर जा रही हो। ऐसा मजाक उसे नहीं करना चाहिए था। नाराज हो गई पूनम? तुम्हें पाने के लिए मैं आज तक तड़पता रहा। वक्त ने कई बार मायूस किया, लेकिन डूबते दिल को मैंने हर लम्हा सहारा दिया। पर मैं डूब गई विजय। जानता हूं पूनम। क्या जानते हो? ठाकुर साहब की मौत का गम, मेरे माता पिता का जब एक्सीडेंट हुआ तो पागलों की तरह महीनों में चीखता रहा, चिल्लाता रहा। तुम्हें भी वही सदमा उठाना पड़ा। पिताजी की मौत के बारे में मैं नहीं कह रही थी विजय, मैं तो तुम्हें हमेशा याद करती थी, है ना? मैं भी तुम्हारी जुदाई के गम में दिन रात डूबा रहता था। तुम मिल गई, करार आ गया। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आज के रात जन्म न तुम कुछ गिला करोगी न मैं कुछ शिकवा करूंगा। जीवन भर तुम बोलती रहना और मैं सुनता रहूंगा। नहीं नहीं, आज सुन लीजिए, कल मैं कुछ न कह सकूंगी। इतना प्यारा बच्चा है, इसके बाये गाल पर सुंदर सा काला तिल है, ये देखो। हुजूर, मुबारक हो, लड़का हुआ है। इसको देखने का हमें साहस नहीं। ले जाओ इसे हमारी आंखों से दूर, इसी वक्त। बाहर तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है हुजूर। हाँ, शायद आज आसमान भी रो रहा है अपने खानदान की इज्जत की खातिर। हमें हमारे आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोकना होगा। ले जाओ इसे, किसी जंगल में फेंक दो। मैं बेसहारा हूँ हुजूर, संसार में अपना कोई नहीं है। आप आज्ञा दे तो इसे अपना बेटा बना के पाल ले। तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। हम ये गांव के ना ही मालकिन, दो चार महीने से यहाँ आए हुए हैं। हम इका लेके बहुत दूर चली जाए। तुम हमें पहचानती हो? नहीं, कभी आमना सामना हो भी जाए तो ना ही पहचानूंगी। बस आप इका दे दो हमको। ठीक है, ये लो, ये 10,000 रुपए और हैं। लो, ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला? ये हमारी औलाद है हुजूर। ठीक है, जाओ। अरे
तेरी शादी वो भी पठान की लौंडिया से? लौंडिया बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अरे तुम्हारी भाभी जान होने वाली है वो। ओहो, अरे वाह, अरे भाई ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? वो ऐसा हो गया मियाँ कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा वो पठान खाजी? जानते ही मियाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ लैला को? मछली की शिकायत कर रही थी, किसी क्रिश्चियन डॉक्टर ने को फोन करके बुलवाया और बेहोश हो गई। मत परेशान रहो, खुदा से दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। ये है डॉक्टर साहब, पहले पहले मतली हुई फिर बेहोश हो गई। तुम चुप रहो ना, इलाज तो होने दो। मेरी बच्ची। क्या हो रहा है? Congratulations! तुम बाप बनने वाले हैं? क्या बात कर रही हो? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है। I'm sorry. फिर तो तुम ग्रैंड फादर बनने वाले हैं। ना, मिठाई निकलेगा। मिठाई की बात कर रही हो? अरे ये तो जहर खाने का मुकाम है। तुम्हें मालूम है ये लड़की कमारी है? शेर अली को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसी ने मेरे मुंह पर कालिक लगाई है। कहाँ है मेरी बंदूक? बंदूक? मिस्टर खान, ये जान लेने का टाइम नहीं है, ये तो इज्जत बताने का टाइम है। उस लड़के को ढूंढ कर इन दोनों को शादी बनाने मांगता है, ये तो तुम्हारा नाक कट जाएगा। डॉक्टर ने ठीक कह रही है जी, दुनिया को पता चल गया तो क्या होगा? कुछ करना बाकी हो तो वो भी पूरी कर लो हजरत। पर एक बात याद रखो, हमें तो लैला को भूल चुके हैं, उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल को फेंक चुके हैं। नहीं, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये लो बेटा। बेटा बेटा नको बोलो जी, हमें लैला का भाई बनने को तैयार नहीं है। लैला का भाई नहीं, लैला का शोहर बनाना चाहता हूँ। दामाद भी तो बेटा होता है ना। तो शादी का खर्चा कौन देगा? मैं दूंगा, सारा खर्चा मैं दूंगा बेटा, बिल्कुल मैं दूंगा। लेकिन मैं तो शराबी हूँ। बेटा तुम शराबी हो या तुम कबाबी हो, लेकिन तुम मेरे हो। फूलों का गुलदस्ता कौन लेकर आया है शेर अली भैया? तुम्हारे इन भैया का ससुरा। ये लो, ये अपना कार्डा संभालो और ये हमें दे दो। और देखो दूल्हा भाई को साथ में लेकर को आना मत भूलना। अच्छा भाईजान, अब हम चलते हैं, बहुत कार्डा बांटना है। खुदा हाफिज, आना जरूर। अरे सुनो, वो जीजा जी तो आज लंदन जाने वाले हैं ना? जी वो कल जा चुके हैं, और आपको तो इतनी फुर्सत नहीं है कि आप उन्हें छोड़ने भी जाएं। सॉरी मैं बिल्कुल भूल गया जी। लेकिन बहन तो भाई को नहीं भूली ना, फौरन खबर लेकर चली आई। क्या बात है? कल पूर्णिमा और आंटी दोनों शिमला से आ चुके और मैं वही जा रही हूँ। अरे सुनो, पूर्णिमा से कहना कि ठाकुर साहब की खबर सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। ओके। वक्त हर गम को मिटा देता है और जिंदगी का कारवां बढ़ता ही रहता है। तुम्हें सब कुछ भूल कर फिर से नई जिंदगी शुरू करनी है। मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती हूँ। नहीं माँ, नहीं, मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहती। दुनिया ने तुम्हें क्या दिया? बदनामी, रुसवाई, उस पर मैंने पर्दा डाल दिया है, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी और खानदान की इज्जत के लिए। अब अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर न चली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो। जो कहा है करके दिखा दूंगी। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा सब कुछ लुट चुका है, सिर्फ तुम्हारे बाप दादा की इज्जत का भरम बाकी है। वो भी अगर तुम खामोश रहकर नहीं बचा सकती तो मेरा जीना मौत से बदतर है। ये इज्जत इसी तरह बच सकती है कि तुम शादी कर लो बेटे। मैं तुम्हारे पसंद के लड़के ही से तुम्हारी शादी करूंगी। मुझे किसी को पसंद नहीं करना माँ। इस लाश को दुल्हन बनाकर जहां भेजना चाहो भेज दो। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, रोहत, सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। Thank you.
चांद भी फीका है मेरी पूर्णिमा के सामने। आप? ये शरारत नीलू की है। उसने हम सबको कसम दी थी कि सुहागरात से पहले तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि किसके अंधेरे में तुम रोशनी बनकर जा रही हो। ऐसा मजाक उसे नहीं करना चाहिए था। नाराज हो गई पूनम? तुम्हें पाने के लिए मैं आज तक तड़पता रहा। वक्त ने कई बार मायूस किया लेकिन डूबते दिल को मैंने हर लम्हा सहारा दिया। पर मैं डूब गई विजय। जानता हूं पूनम। क्या जानते हो? ठाकुर साहब की मौत का गम, मेरे माता पिता का जब एक्सीडेंट हुआ तो पागलों की तरह महीनों में चीखता रहा चिल्लाता रहा, तुम्हें भी वही सदमा उठाना पड़ा। पिताजी की मौत के बारे में मैं नहीं कह रही थी विजय, मैं तो तुम्हें हमेशा याद करती थी, है ना? मैं भी तुम्हारी जुदाई के गम में दिन रात डूबा रहता था। तुम मिल गई, करार आ गया। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आज के रात जन्म न तुम कुछ गिला करोगी न मैं कुछ शिकवा करूंगा। जीवन भर तुम बोलती रहना और मैं सुनता रहूंगा। नहीं नहीं, आज सुन लीजिए, कल मैं कुछ न कह सकूंगी। ये बच्चा किसका रो रहा है? तुम्हारा। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम परेशान हो गई? अरे ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम्हारा? हाँ, तकदीर का तमाशा है पूनम। शादी आज हुई लेकिन बाप मैं 3 महीने पहले ही बन गया। अपने बच्चे को मैंने डैम पर रखा हुआ था, सिर्फ एक आया पाल रही थी, उसके अलावा इस बात का किसी को कुछ नहीं मालूम। मैं मुन्ने को लेकर आता हूं, तुम भी अपने बेटे को देख लो। लो उस्ताद, ये रही तुम्हारी मम्मी। पूनम देखो इसके चेहरे पर कितना खूबसूरत निशान है। अरे ये क्या है? औरत तो ममता का सागर होती है पूनम, तुम मां कहने से बुरा मान गई? ये तो मेरे लिए बहुत भाग्यवान है, इसके आते ही तुम मुझे मिल गई। ये आपको कहां से मिला? बरसात की तूफानी रात थी, मैं मीटिंग अटेंड करके रामगढ़ से लौट रहा था कि मुझे जितने भी गांव थे मैंने हर जगह जाकर लोगों से पूछा लेकिन इससे कोई पहचानता ही नहीं था। फिर पुलिस की इजाजत से मैं इसे घर ले आया। पूनम, हमारे अलावा इसका कोई भी नहीं और मैं चाहूंगा कि दुनिया इसे हमारा बेटा समझे और इसे असलियत का कभी पता ना चले। कभी नहीं चलेगा। भगवान की मर्जी ना होती तो वो इसे क्यों वापस भेजता? तुम खामोश रहोगे, मैं चुप रहूंगी।
कैसी है जान? बिल्कुल ठीक हूँ। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे भाई तुम्हारी याद सताई, हम दौड़ते दौड़ते आ गए। सब झूठ। झूठा? अरे राजन बेटे, तुम्हारी मम्मी मेरे प्यार को झूठा समझती है, झूठा। मैं अभी बताता हूँ मैं इनसे कितना। अरे क्या कर रहे हो, आचार का मसाला मुंह में लग जाएगा। आचार? ये क्यों खा रहे? बुद्धू बुद्धू बुद्धू। अरे कमाल हो गया, अरे राजन बेटे तेरा भैया आ रहा है तेरे साथ खेलने वाला। मेरी लड़की ले लिए, मेरी है, हमको दो। नहीं दूंगा, ये अब मेरी है। डैडी ने तुमको घोड़ा दिलाया था, तुमने तोड़ दिया, ये अब मेरी है, चल हट। अरे 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 भाई भाई लड़ते नहीं बेटा, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इनका घोड़ा टूट गया, ये हमारी है, देते नहीं है। हाँ हाँ नहीं दूंगा। अरे भाई ये ना बड़ा, दे दो उसे। आओ, ये ट्रेन तो यही गोल गोल घूमती है, हम तुम्हारे लिए घोड़ा बनते हैं। आओ, आओ बैठो बैठो बैठो। कितनी बार मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, इस मनुष्य को घर मत लाया करो। ये ट्रेन देखकर तुम्हें क्या हो जाता है, बैठती भी नहीं और खिलौना लाओ तो ऐसा बर्ताव करती हो, बात क्या है? हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? आओ राजन बेटे, अब एक अच्छा खिलौना लेते हैं। आओ। अमन? राजन! यह ओल्ड मैन। अच्छा बेटे, तुम बड़े हुए तो मैं बूढ़ा हो गया, अभी तुम्हारी जवान मर्दी का इम्तिहान हुआ जाता है, तैयार हो मुकाबले के लिए? ऑलवेज रेडी सर। राजन बेटे, अमन तुमसे छोटा है, छोटे को छोटा ही रहना चाहिए। ऐसे ही होगा पापा। गुड। देखो बच्चों, तुम्हारी प्यारी मम्मी अपने दिल के टुकड़ों का इंतजार उस किनारे पर कर रही है, उनके कदमों में एक साइकिल और मोटरसाइकिल पड़ी है, वहां जो भी पहले पहुंचेगा वो मोटरसाइकिल पर अपनी मम्मी को बिठाकर यहां तक लाएगा और इनाम में मोटरसाइकिल उसकी। और हारने वाले को? सिर्फ साइकिल। भैया को साइकिल चलाकर यहाँ पर आने में बड़ी तकलीफ होगी। साइकिल मैं नहीं चलाऊंगा छोटे, साइकिल तो तुम चलाओगे, और वैसे भी घुड़सवारी में तुम मेरे सामने अच्छा हो। अरे भाई कहकर नहीं, करके दिखाओ। रेडी? यस सर। वन टू। लात मारते हो, छोटा भाई जीता है, कोई गैर तो नहीं? बड़े भाई का दिल बड़ा होना चाहिए। चलो चलो, शाबाश। चले चले, चले चले। My bloody foot!
राजन हार गया? एक बेटा हारा है, दूसरा तो जीता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वो देखिए, लवली, लवली। अरे ये क्या बेटे, बी ए स्पॉट? नहीं डैडी, मुझे ये खटारा नहीं चाहिए, मुझे तो ये मोटर बाइक चाहिए। नहीं बेटे, ये तो अमन ने जीता है ना। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो यही मोटर बाइक चाहिए। आपकी बेईमानी के बावजूद मैं इसे जीता हूँ, मैं इसे हरगिज नहीं दूंगा। अबे चल बे, हम तुम्हें कल दूसरी ले देंगे। माँ मुझे आज अभी और इसी वक्त ये मोटर बाइक चाहिए। ओहो, बड़ा जिद्दी है मेरा बेटा भी है। अमन बेटे, बड़े भैया की जिद पूरी करो प्लीज। डैड, आप हमेशा भैया का साथ देते हैं। बेटा, हम तुम्हें कल इसी तरह की दूसरी मोटरसाइकिल ले देंगे, अपने डैडी का कहना मान लो। ठीक है मम्मी, लेकिन ये इंसाफ नहीं है, भैया हमेशा मेरा हक मारने के चक्कर में रहते हैं। देखा पापा, चलता है चलता है। देखो बेटा, तुम दोनों का इस तरह लड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इन्हें समझाइए ना, डैडी ने हमेशा इन्हें दूसरों का हक मानना सिखाया है, दुनिया ने नहीं। झगड़ा भाई से और गुस्सा बाप पर। अरे बेटे, कल तुझे नई मोटरसाइकिल मिल जाएगी ना।